शाहरुख खान ने अपनी एक्शन से भरपूर फिल्मों पठान और जवान के साथ साथ 2023 में दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया है। अब सुपरस्टार के फैंस उनकी अगली फिल्म के बारे में अपडेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स की माने तो शाहरुख खान की अगली फिल्म किंग में उनकी बेटी सुहाना खान भी नजर आएगी। अब खबरें आ रही है कि अभिषेक बच्चन भी इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ चुके हैं और अभिषेक का किरदार इसमें विलेन का होगा। अमिताभ बच्चन ने आज यानी 16 जुलाई को एक ऐसा ट्वीट किया जिसे देखने के बाद फैंस को यकीन हो रहा है कि अभिषेक बच्चन अब शाहरुख खान की फिल्म में विलेन बने हुए नजर आएंगे। दरअसल अमिताभ बच्चन ने 16 जुलाई को अपने एक्स अकाउंट पर एक फैन की पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए इस बात का इशारा दिया कि अभिषेक बच्चन किंग खान के प्रोजेक्ट में खलनायक के रूप में नजर आने वाले हैं। एक यूजर ने अपने पोस्ट में एक्साइटमेंट जाहिर करते हुए न्यूज शेयर की कि शाहरुख खान और सुहाना खान के एक्शन से भरपूर प्रोजेक्ट किंग में नेगेटिव रोल में अभिषेक बच्चन की कास्टिंग होगी। फैन के इस ट्वीट का जवाब देते हुए अमिताभ बच्चन ने लिखा, शुभकामनाएं अभिषेक, अब समय आ गया है। अमिताभ बच्चन के इस ट्वीट के बाद फैंस मान रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ने कंफर्मेशन दे दिया है कि शाहरुख खान की अगली फिल्म में अभिषेक बच्चन और किंग खान के बीच फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है। बता दें कि सोमवार 15 जुलाई को पीपलिंग मून ने रिपोर्ट किया कि अभिषेक बच्चन को किंग में खलनायक के रूप में दिखाया जाएगा। रिपोर्ट में कहा गया, हालांकि उनकी खलनायक भूमिका के बारे में जानकारी को सीक्रेट रखा गया, लेकिन यह तय है कि वे एक नेगेटिव करेक्टर निभाएंगे। इस फिल्म में शाहरुख और सुहाना के किरदारों के बारे में भी जानकारी को सीक्रेट रखा गया है। यह पहली बार होगा जब अभिषेक बच्चन इतनी बड़ी फिल्म में विलेन के रोल में नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि रोल ऑफर होते ही अभिषेक ने इसके लिए हाँ कर दिया था। सिद्धार्थ आनंद एक्टर अभिषेक को इस फिल्म में ऐसे अवतार में पेश करेंगे जो आज तक एक्टर को ऐसा नहीं देखा गया होगा। वही अभिषेक बच्चन के वर्क फ्रंट की बात करें तो अभिषेक बच्चन के पास तरुण मुखस्वाखानी की हाउसफुल 5 भी है, जिसमें अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और संजय दत्त भी है। वहीं शाहरुख खान और सुहाना खान के किंग के अलावा अभी और किसी प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है। वहीं अब देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद अभिषेक बच्चन का क्या रिएक्ट सामने आता है।